नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर भव्यदीप भाटिया टॉक शो के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नपुंसकता की, यानी कि इम्पोर्टेंसी। दोस्तों, अक्सर कई लोग जो होते हैं इम्पोर्टेंसी से बहुत परेशान होते हैं, नपुंसकता से बहुत परेशान होते हैं, परंतु उसका इलाज उन्हें मिल नहीं रहा होता। इधर उधर वेद हकीमों और डॉक्टरों के पास धक्के भी खा रहे होते हैं, परंतु कई बार जो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, देखिए आपको नहीं छोड़ना है, वो मैं छोड़ने को कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बल्कि वो तो करवाना है। परंतु यहाँ पर आपको दो एडवाइजेज और दूंगा, जिसको करने के बाद आप पाएंगे कि आप जो है काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। दोस्तों, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, क्योंकि मैं एक क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर हूँ और जन्म कुंडलियों के बारे में बहुत गहरी नॉलेज रखता हूँ, तो सप्तमेश जो होता है, सातवें घर का जो लॉर्ड होता है, यदि वो आपकी कुंडली के अंदर नीच का है या फिर गलत ग्रहों में बैठा हुआ है या गलत ग्रहों के घरों में बैठा हुआ है, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली आपको इम्पोर्टेंसी या नपुंसकता को फेस करना पड़ता है। परंतु उससे घबराना नहीं है, आपको अपने सप्तमेश को यदि नीच का है तो उसके दान यानी कि डोनेशंस करने हैं। और डोनेशंस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से वो सप्तमेश हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका सप्तमेश का लॉर्ड कौन है। देखिए दोस्तों, अंधाधुंध कुछ भी काम मत कीजिए, चीज़ों को समझ के, लॉजिक के साथ, एनालिसिस के साथ कीजिए। काफ़ी हद तक मेरे कमेंट्स के अंदर आप मुझसे मदद ले सकते हैं और मैं आपको पूरी मदद करूँगा। आप अपना केवल डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस यदि वहाँ पर लिख कर छोड़ते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो हम आपको उसका सॉल्यूशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि सप्तमेश का जो है डोनेशन जो है वो शुरू करना है, ठीक है। नंबर दो दोस्तों, मैं जैसे कि पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ, परंतु ये ऑप्शनल उपाय है, परंतु इसमें भी एनालिसिस की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें अपने गवर्निंग प्लेनेट का स्टोन धारण करना है, उससे हमारे को आप पाएंगे कि आपको काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट का भी जो असर नहीं हो रहा वो भी होने लगेगा। और आप जो है स्टोन यदि एक धारण करते हैं अपने एनालिसिस करवाने के बाद, जो कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, अगर आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपना लिखते हैं और हमारे से मदद मांगते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अपने गवर्निंग प्लैनेट का स्टोन धारण करना है, और फिर देखिए दोस्तों, आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप इस बीमारी से या इस दिक्कत से आप बाहर आते जा रहे हैं। दोस्तों, ये मेरा तजुर्बा है 20 साल का और मैं आपको उसके बेस पर सारी बातें कर रहा हूँ, और सारी बातें लॉजिकली कनेक्टेड बातें हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपको एलोपैथिक साइंस की हेल्प अगर मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कहीं ना कहीं जो भारतवर्ष की हमारी जो साइंस ज्योतिष है, इसकी भी आपको मदद लेनी चाहिए। और आप पाएंगे कि अगर आप ज्योतिष की मदद लेते हैं तो आप जो है कई तरह की अपने जीवन से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर भाटिया टॉक शो के साथ बने रहिए और अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करते जाइए, ताकि हम आपको सॉल्यूशन दे सकें और आपके जीवन को एक दिशा देने में आपकी मदद कर सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त चाहूँगा, धन्यवाद।